जय श्री राम। मैं पवन यादव अयोध्या से। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और काफ़ी दिन मैं निर्माण का अपडेट ला रहा हूँ और आज हम आए हुए हैं अयोध्या के अपने इंटरनेशनल स्टेडियम के पास। और काफ़ी दिन से कमेंट भी आ रहा था, एक भाई का कमेंट काफ़ी ज़्यादा आ रहा था काफ़ी दिन से। और इस टाइम परिक्रमा वगैरह भी चल रहा है और आज है 23 नवंबर। तो आज हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से अभी स्टेडियम जो है वो बन रहा है। और जिस जगह पे क्रिकेट वाला स्टेडियम है वहाँ पर निर्माण किया जा रहा है, बट वहाँ पर प्रवेश वर्जित है। वहाँ पे प्रवेश यानी नई एंट्री नहीं दे रहे, नो एंट्री है। तो मैं एक आइडिया निकाला हूँ, मैं ड्रोन से दिखाऊँगा। बाकी और जो है ना, जो जो चीज़ मुझे दिखाने लायक होगा या परमिशन होगा वो मैं दिखाता हूँ। स्पोर्ट क्या क्या स्पोर्ट है यहाँ पर, इनडोर हैं, अंदर भी नहीं जाते देते। मैंने लाइव में भी कहा था कि यहाँ पर किसी भी यूट्यूबर को सपोर्ट नहीं करते हैं। पहली बात तो सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इसी वजह से हम, मेरे जितना भी होगा ना मैं अपने हिसाब से पूरा दिखाऊंगा। और कोई गलती होती है तो मुझे माफ़ कर देना भाई, ठीक है। और आवाज़ सही आती है कि नहीं मुझे बताना, क्योंकि मैं एक एक्सटर्नल माइक जो है यूज़ करता हूँ, तो थोड़ा जो इधर उधर की नॉइस रहती है ना तो फिर वो नहीं आता है। तो चलिए हम देर नहीं करते हैं और आपको पूरा जो है स्टेडियम है अपने इंटरनेशनल स्टेडियम, जो कि मसौदा सॉरी ये सुल्तानपुर वाले रोड पे पड़ता है और बरम बाबा के थोड़ा से आगे ही है। तो ये स्टेडियम है जो कि हमारे पीछे आप देखोगे, ठीक है। और जब उधर से आओगे नागा बाईपास से, तो आपको पहले हॉस्टल मिलेगा। इन लोग का जो अपने स्पोर्ट पर्सन होते हैं, जो स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, उनका हॉस्टल है उधर साइड में। और ये स्टेडियम है, इधर मतलब प्लेग्राउंड है, बहुत सारे प्लेग्राउंड है। इधर उधर पीछे हमारे फुटबॉल का प्लेग्राउंड है, फिर इधर साइड क्रिकेट का, इधर इंडोर गेम का है, कुछ इस तरीके से। तो आपको मैं आगे से दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हो ना भाई, ये देखो, एक ये है प्लेग्राउंड है, और आगे वो जो अतुल भाई खड़े हुए हैं उधर साइड आप देखोगे तो वो फुटबॉल का है इधर साइड, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से दो प्लेग्राउंड है, और उसके बाद वहाँ पर जो है आपको हॉकी का मिल जाएगा उधर साइड, है ना, उधर साइड हॉकी का रहेगा। और उसके बाद मैं स्टेडियम बहुत कम आता हूँ इसलिए मुझे उतना पता भी नहीं रहता। इधर ये इंडोर गेम है, बाकी उधर साइड ये रास्ता सीधे जो आप देख रहे हो ये मेरी उंगली जाएँ वहाँ पर ना क्रिकेट वाला स्टेडियम है। तो गाइस इधर आप देख सकते हो ये फुटबॉल का है, एथलीट्स दोनों का यहाँ पर ऐसे प्लेग्राउंड बनाए हैं, एज अ छोटे छोटे प्लेग्राउंड है। इधर साइड इधर भी साथ फुटबॉल के ही होंगे, जो मुझे नहीं पता ना आप मुझे कमेंट करके बताना। कुछ इस तरीके से प्लेग्राउंड है ये आप देखो, ठीक है। उधर हॉकी वगैरह का है और बास्केटबॉल का इधर साइड में, इसके दूसरे वाले ग्राउंड में अभी हम चलते हैं दिखाते हैं आपको। और भाई ये भी बताना परिक्रमा में कौन कौन आया था, ये चीज़ ज़रूर बताना। और बताया यहाँ का इन्वायरमेंट कितना शांत है, इतना खाली खाली सा लग रहा है, क्या बताऊँ मैं। अभी मे भी कितना बज रही है, 12 बज रही है, 12 बजे कितना सन्नाटा है। और उधर स्विमिंग पूल का भी है, ठीक है। और ये बास्केट का है, इधर साइड में दिखाता हूँ आपको,
ये आप देख रहे हो ना, ये बास्केटबॉल, इधर साइड में प्लेग्राउंड, और भी बहुत सारे, और पेड़ वगैरह भी अच्छे खासे लगे हुए हैं इधर। ये आप देखो, ये है ना कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आपको दिख जाते हैं। अभी स्टूडेंट वगैरह नहीं आए हैं, और उसके बाद उधर साइड में भी आपको बास्केट वो मिल जाता है, हॉकी वगैरह का, उसके बाद स्विमिंग पूल, इंडोर गेम, उसके बाद क्रिकेट का, कुछ इस तरीके से पूरा अपना ये जो स्टेडियम है वो दिखता है। ये देखो भाई, कुछ इस तरीके से है प्लेग्राउंड। अभी उधर भी चलते हैं, जाली लगी हुई है पूरी, और ये पूरा अपना एरिया है, देखो कितना प्यारा लग रहा है देखने में, ये चीज़ देखो। तो भाई इधर देखोगे ये बैडमिंटन का, इधर साइड में कुछ इस तरीके से है, और अभी जाली वगैरह लगा हुआ है, बंद है। और आगे चलते हैं और भी दिखाते हैं भाई, और इधर पेड़ वगैरह भी लगे हुए हैं। तो भाई लोग इधर आप देखोगे ये हॉकी का है, और अभी ये बंद है क्योंकि अभी बच्चे नहीं है ना इस वजह से, और मैं हम लोग उधर ही से थे, और मैं आपको ये दिखा रहा था इधर हॉकी का। इधर स्विमिंग का है जो कि अभी हम बाहर से सिर्फ दिखा दे रहे हैं आपको, और भाई सच्ची बता रहे हैं, आप लोग मुझे भी सपोर्ट करिए, और ट्रैवलिंग वीडियो कौन कौन देखना चाहता है ज़रूर बताना, ठीक है। और ट्रैवलिंग वीडियो, और जो मैं हवेली वाला कम्युनिटी पोस्ट किया था वो अंबेडकर नगर में है, मकरही हवेली, तो अगर उसकी वीडियो देखना चाहते हैं, मैंने टारगेट रखा था 150 लाइक का, तकरीबन 100 लाइक हो गए होंगे, 50 लाइक और कर दीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। और इधर साइड ये आप जो देख रहे हैं, ये स्विमिंग का है जो कि अब देखो ये भी बंद है अभी, तो इस वजह से अंदर नहीं जा सकते हैं, लेकिन दिखा सकते हैं। ये आप देखो पूरा कुछ इस तरीके से पूरा बना हुआ है ये। तो भाई आपने देखा कुछ इस तरीके से है, और मैंने स्टेडियम में, क्रिकेट स्टेडियम मैंने बताया था आपको कि वहाँ पर अलाउड नहीं करते क्योंकि वहाँ पे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है ग्राउंड पूरा, और कह रहे हैं कि ग्राउंड वगैरह बन जाएगा काफ़ी जल्दी। और जितने भी आपको मैंने दिखाया यहाँ पर ग्राउंड, वो सब तो क्लियर है, बहुत पहले ही बने थे, और यहाँ पे मेन चीज़ ना प्रैक्टिस वगैरह से होता है, और क्रिकेट वगैरह कुछ होना नहीं है क्योंकि बहुत छोटा है। आपको मैंने ड्रोन शॉट भी दिखाया था, आपने किस तरीके से आपने देखा ही होगा कि कितना बड़ा है, ज़्यादा बड़ा है नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ ना आप एज आ स्टूडेंट बन के आप यहाँ पर गेम वगैरह सीख सकते हो, क्रिकेट हो गया और स्विमिंग हो गया पीछे, और उधर हॉकी, बहुत सारे यहाँ प्ले ग्राउंड हैं, और इंडोर भी बहुत सारे जो गेम होते हैं वो चीज़ भी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कहाँ की वीडियो आप देखना चाहते हैं ये भी कॉमेंट करिएगा। तब के लिए जय श्री राम, जय अयोध्या धाम।